हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर चैनल ऑनेस्ट रिएक्शन। मेरा नाम है जगदीश। मेरा नाम है मनोज। और जो वीडियो हम देखने वाले हैं वो है टॉप 10 बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसीज इन द वर्ल्ड। ओके, तो जो टॉप की जो एजेंसी होती है, खुफिया एजेंसी होती है, अपनी अपनी कंट्री की होती है, तो उसमें से नंबर वन नंबर सेकेंड कौन है और ये नंबर वन नंबर सेकेंड का पैमाना क्या है पता नहीं, पर उन्होंने जो जो अपने ऑपरेशंस किए होंगे तो उसके हिसाब से उनको शायद ऊपर नीचे रखा गया होगा। और काफ़ी एक होता है, एक इन्फ्लुएंस भी होता है पॉलिटिक्स में और एक कंट्री के सुरक्षा में, सेफ्टी के लिए एक जो एजेंसीज होती है ये काफ़ी काम करती है। जैसे कि इंडिया की रो है, पाकिस्तान की ISI है, इसराइल की मोसाद है, अमेरिका की CIA है और भी है, ये तो मुझे याद है क्योंकि मूवियाँ देखी है ना, मतलब मूवी में इनका नाम आता है इसलिए याद है। तो चलो देखते हैं, तेरे को कुछ पता है अबाउट एजेंसीज? तो देखते हैं कि कौन सी है क्या है। मैंने शायद चलो देखते हैं, समझ लेना। खुफिया एजेंसियां किसी भी देश की सुरक्षा में अपना एक अलग ही महत्व रखती हैं। दुनिया में हर देश की खुफिया एजेंसियों पर उस देश के नागरिकों और खुफिया बातों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। खुफिया संगठन किसी देश के अंदर या बाहर चल रहे सभी गुप्त गतिविधियों बारे में पता लगाते हैं और साथ ही अन्य संगठनों के साथ मिलकर सूचना इकट्ठा करते हैं और किसी भी घटना को रोकने का पूरा प्रयास करते हैं। यहाँ तक कि नागरिक भी इन खुफिया संगठनों द्वारा दी गई सुरक्षा पर भरोसा भी करते हैं। इन्हीं संगठनों की मदद से आतंकवाद से लड़ने में आसानी होती है। प्रत्येक देश को खुफिया एजेंसियों की जरूरत होती है क्योंकि यह देश में शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गुप्त एजेंसियों या खुफिया संगठनों की स्थापना देश के अंदर और बाहरी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए और उससे जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए की जाती है। ये संस्थाएं वास्तव में सैन्य, कानून परिवर्तन, विदेश नीति के उद्देश्यों और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए काफी उपयोगी होती हैं। ये एजेंसी दुश्मन की हरकतों पर नजर रखकर आने वाले खतरे से निपटने का भी रास्ता तैयार रखती हैं। चलिए आज आपको बताते हैं दुनिया की 10 सबसे शक्तिशाली खुफिया एजेंसियों के बारे में, जिनके नाम से ही दुश्मन कांप उठते हैं। लेकिन इस वीडियो को आप पूरा बिना स्किप करे देखें क्योंकि इस वीडियो में एक ऐसी एजेंसी के बारे में बताया गया है, शायद आप उसके बारे में सुनकर यकीन न कर पाए। नंबर 10 पे आता है मोसाद, यह इजराइल की राष्ट्र खुफिया एजेंसी है। इसकी स्थापना 13 दिसंबर 1949 को हुई थी। इसका मुख्यालय तेल अवीव में स्थित है। मोसाद सभी खुफिया एजेंसियों की गॉडफादर की तरह है। मोसाद को दुनिया की सबसे खतरनाक इंटेलिजेंस एजेंसी माना जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि आज तक इसके सभी ऑपरेशन सफल हुए हैं और ऐसा भी कहा जाता है कि मोसाद के कारण ही इजराइल की पकड़ आज भी पूरी दुनिया में है। प्रसिद्ध एंतम्बे रेस्क्यू के दौरान मोसाद के सभी एजेंट युगांडा आर्मी की ड्रेस पहने हुए थे। इनमें से इडली अमीन नाम का एक एजेंट युगांडा के प्रेसिडेंट के गेट में था। दरअसल युगांडा ने कई इजरायलियों को बंदी बना लिया था जिन्हें छुड़ाने के लिए मोसाद ने ऑपरेशन चलाया था। युगांडा के राष्ट्रपति की नकल किए हुए अमीन के काफिले को उन्होंने बड़ी धूमधाम से निकाला था। लोगों को लगा कि वाकई में युगांडा के राष्ट्रपति हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में उन्होंने सभी इजरायलियों को छुड़ा लिया और युगांडा के कई सारे विमानों को नष्ट कर दिया। यही नहीं, 1972 के ओलंपिक के दौरान इजराइल की 11 एथलीट्स को आतंकी समूह ने मारा था, तब भी मोसाद ने उनका बदला लिया और एक एक आतंकी को चुन चुन कर मारा था। यह एजेंसी दुनिया की सबसे खतरनाक अंडरवर्ल्ड ऑपरेशन में शामिल रही है। मोसाद की जिम्मेदारी खुफिया तरीके से देश की रक्षा करना और आतंकवाद के खिलाफ कार्य करना है। वही मोसाद यहूदी समुदायों की रक्षा करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। वही नंबर 9 पे आता है MSS, राज्य सुरक्षा मंत्रालय चीन या पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सुरक्षा एजेंसी है। इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। इसका मुख्यालय बीजिंग में स्थित है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सेफ्टी चीन की खुफिया एजेंसी है। हालांकि यह बहुत पुरानी एजेंसी नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी गिनती सबसे ताकतवर एजेंसियों में होती है। इसका काम काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन, फॉरेन इंटेलिजेंस ऑपरेशन और राजनीतिक सुरक्षा से जुड़े मामलों को देखना है और ये एजेंसी देश के अंदर और बाहर दोनों ही तरह के मामलों पर ध्यान देती है। इसके अलावा चीन को विश्व में हो रही गतिविधियों के बारे में जानकारी भी प्रदान करती है ताकि कम्युनिस्ट पार्टी की लोकप्रियता को बनाए रखा जा सके। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की ताकत और लोकप्रियता काफी हद तक इसी एजेंसी पर निर्भर करती है। चीनी गुप्त एजेंसी ने ताइवान, मकाओ और हांगकांग जैसे बड़े चीनी क्षेत्रों में आतंकवाद के खिलाफ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। वही नंबर 8 पे आता है ASIS, ये ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय विदेशी खुफिया एजेंसी है। इसकी स्थापना 13 मई 1952 को हुई थी। इसका मुख्यालय कैनबरा में स्थित है।
ऑस्ट्रेलिया की खुफिया एजेंसी ऑस्ट्रेलियन सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस है। ऑस्ट्रेलिया हमेशा ही अंतर्राष्ट्रीय संकटों से दूर रहा है। इसके पीछे की एक ही वजह है इसकी इंटेलिजेंस एजेंसी। यह सबसे बेस्ट खुफिया एजेंसियों में से एक है। इसकी मुख्य कार्य क्षेत्र एशिया महाद्वीप और प्रशांत क्षेत्र है। इसके एजेंट दुनिया भर में मौजूद हैं। यह एजेंसी इतनी गोपनीयता से काम करता है कि इसकी ज्यादातर एक्टिविटी के बारे में खुद ऑस्ट्रेलियन नागरिक व सरकार को भी नहीं पता होता है। इस एजेंसी के बारे में पहली बार 1975 में ऑस्ट्रेलिया के संसद में इसका जिक्र किया गया था और सार्वजनिक रूप से ASIS को 1977 में स्वीकार कर लिया गया था। वही नंबर 7 पे आता है DGSC, यह फ्रांस की ब्रह्म खुफिया एजेंसी है। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1982 को हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है। अन्य एजेंसियों की तरह यह एजेंसी भी बाहरी खतरों से देश को अवगत कराती है। अन्य देशों की एजेंसियों के मुकाबले यह बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी यह दुनिया की बेस्ट खुफिया एजेंसियों में शामिल है। फ्रेंच राजस्व का सबसे बड़ा हिस्सा इस एजेंसी को जाता है। 5,000 से ज्यादा कर्मचारी इसके अंदर काम करते हैं। यह देश को बहुत से आतंकी खतरों के बारे में सूचना देता है और खासकर ISIS के बारे में, और फ्रांस को सतर्क रखने का भी काम यह एजेंसी करती है। अल्जीरिया और अरब आतंकवादियों के टारगेट पर रहने वाले फ्रांस को इस एजेंसी ने कई मौकों पर सफलता दिलाई है, और इस एजेंसी ने अकेले ही ऐसे आतंकवादी संगठनों द्वारा खतरों को समाप्त किया है। वही नंबर 6 पे आता है रॉ। यह भारत की प्राथमिक विदेशी खुफिया एजेंसी है। इसकी स्थापना 21 सितंबर 1968 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसियों में भारत की रॉ को शामिल किया गया है। वैसे तो भारत में कई सारी खुफिया एजेंसी है, लेकिन रॉ का अपना अलग ही महत्व है। जैसे देश के अंदर के मामलों की देखरेख IB इंटेलिजेंस ब्यूरो के हवाले है, ठीक उसी तरह ही बाहरी या विदेशी मामलों की डील रॉ के हवाले है। वहीं रॉ आतंकवाद विरोधी और कुछ अन्य कवर ऑपरेशन के खिलाफ कार्रवाई करने पर बड़े पैमाने पर भूमिका निभाते हैं। रॉ का मुख्य काम सरकार को पड़ोसी देशों की गतिविधियों से अवगत कराना है, खासकर चीन और पाकिस्तान के बारे में। बांग्लादेश के निर्माण में 1971 में रॉ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और रॉ के बदौलत ही भारत सरकार ने पूर्ण गोपनीयता से परमाणु प्रशिक्षण किया था, और रॉ ने ही पाकिस्तान के मुख्य परमाणु हथियार प्रयोगशाला यानी न्यूक्लियर लैब कहूटा के बारे में सबसे पहले भारत को अवगत कराया था। वहीं पाकिस्तानी सरकार और आर्मी के बीच होने वाली कॉल को रॉ के द्वारा ही इंटरसेप्ट किया जाता है। इसके अलावा रॉ ने पूर्ण गोपनीयता के साथ पोखरण परमाणु प्रशिक्षण में भी सरकार की मदद की थी। वही नंबर 5 पे आता है BND, यह जर्मनी की विदेशी खुफिया एजेंसी है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1956 को की गई थी। इसका मुख्यालय पुल्लाक और बर्लिन में स्थित है। तकनीकी मामलों में यह एजेंसी दुनिया की बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी है। इसकी सब जगह नजर रखने की प्रणाली को पूरी दुनिया में सबसे अच्छा माना जाता है। यह अपनी तकनीकी विशेषता के कारण जर्मनी को या तो खतरे से पहले ही अवगत करा देती है या फिर उसे नष्ट कर देती है। BND अपराध हथियारों और नशीली दवाओं की तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध प्रवासन की जानकारी का भी ध्यान रखती है। वही नंबर 4 पे आता है FSB, यह रूस का मुख्य सुरक्षा संगठन है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1995 को हुई थी। इसका मुख्यालय मॉस्को में स्थित है। यह USSR की सुरक्षा समिति KGB का उत्तर अधिकारी समूह है। FSB आतंकवाद से निगरानी और देश के अंदर और बाहरी सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी निभाते हैं। यह गंभीर अपराधों और संघीय कानून के उल्लंघन की भी जांच करते हैं। यह देश के बाहर और देश के अंदर आतंकवाद विरोधी कई गतिविधियों की समाप्ति में भी भूमिका निभा चुके हैं। वही नंबर 3 पे आता है MI6 मिलिट्री इंटेलिजेंस सेक्शन 6। यह ब्रिटेन की गुप्तचर सेवा संस्था है। इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। इसका मुख्यालय लंदन में है। MI6 दुनिया की सबसे पुरानी इंटेलिजेंस एजेंसियों में से एक है। MI6 ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भी कई सारे मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया था। यह भी माना जाता है कि दोनों विश्व युद्ध में ब्रिटेन की जीत का कारण उसकी खुफिया एजेंसी MI6 ही है। इसी एजेंसी ने न केवल ब्रिटेन को जर्मनी के हाथों से दूर रखा, बल्कि हिटलर को हराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यही नहीं, MI6 आजकल दूसरी विदेशी खुफिया एजेंसियों जैसे CIA को भी उनके मिशन में मदद कर रही है और देश की संस्थाओं पर नजर रखने का भी काम MI6 करती है। वही नंबर 2 पे आता है CIA, केंद्रीय खुफिया एजेंसी
यह संयुक्त राज्य संघीय सरकार की विदेशी खुफिया एजेंसी है। इसकी स्थापना 26 जुलाई 1947 को हुई थी। इसका मुख्यालय फेयरफैक्स वर्जीनिया में स्थित है। दुनिया में अमेरिका के सुपर पावर बने रहने के पीछे CIA की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ऑपरेशन PB सक्सेस और ओसामा की हत्या इसकी सबसे बड़ी सफलता में से एक है। वैसे माना जाता है कि CIA के कई मिशन असफल रहे हैं, लेकिन फिर भी यह दुनिया की बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी है। वही नंबर एक पे एक ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम आता है जिसके बारे में सुनकर शायद आपको यकीन ना हो, पर यह सत्य है। नंबर एक पे आता है ISI, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस पाकिस्तान। यह पाकिस्तान की इंटेलिजेंस सर्विस एजेंसी है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय इस्लामाबाद है। दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसियों में पाकिस्तान की ISI सबसे ऊपर आती है। ISI का गठन 1948 में एक ऑस्ट्रेलिया में जन्मे ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर ने किया था, जिन्होंने 1950 से 1959 तक पाकिस्तान सेना में अपनी सेवाएं दी थी। यह पाकिस्तान की सबसे महत्वपूर्ण इंटेलिजेंस एजेंसी है। यह संगठन इतना ताकतवर है कि वह सेना के साथ साथ देश को व्यावसायिक रूप से भी चलाता है। कई सालों से ISI ने पाकिस्तान सरकार की रीढ़ के रूप में काम किया है। पाकिस्तान में USSR की हार ISI की सबसे महत्वपूर्ण जीत मानी जाती है। कहा जाता है कि पाकिस्तान में किसी की भी सरकार क्यों ना हो, लेकिन उसे ISI के आगे झुककर रहना पड़ता है। वैसे तो यह एक सरकार की बॉडी है, लेकिन सेना और सरकार सब ISIS के नीचे काम करते हैं। वहीं अमेरिकी क्राइम रिपोर्ट के मुताबिक ISI को सबसे ताकतवर एजेंसी बताया गया है, लेकिन ISI पर आए दिन आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोप लगते रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की 10 सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी। वहीं अगर आप आर्मी और वेपन से जुड़ी जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे चैनल आर्मी ज्ञान को देख सकते हैं। और इस वीडियो से जुड़ी आपके मन में कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड ओके फ्रेंड्स, तो ये था वीडियो है। हाँ, अपने अपने देश की सारी रो एजेंसी अपने सबसे बेस्ट ही है। यूं किसी के लिए कह नहीं सकते कि अच्छी है वो। हाँ, हर कंट्री अपने लिए करती है और हर कंट्री का एक लेवल होता है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की अगर एजेंसी कोई काम करी तो ऑस्ट्रेलिया इतना सुदूर है, वहाँ पे इतनी प्रॉब्लम होती नहीं है। और जो मतलब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में तो हमेशा टेंशन रहती है, तो वहाँ की जो खुफिया एजेंसी हमेशा अलर्ट पर रहती है और एक्टिव रहती है। और अमेरिका तो हर जगह अमेरिका है ही है, वो तो हर जगह अपनी पेट बनाना चाहता है, हर जगह रहना चाहता है, तो उस हिसाब से उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी भी है। रशिया भी USSR सोवियत संघ 1991 के बाद टूटा था, तो उससे पहले वो सबसे बड़ा था, तो उस हिसाब से उसकी जो एजेंसी है वो भी अपना एक अलग लेवल रखती है। ब्रिटेन की MI6 है और चाइना की भी है, जो फ्रांस और जर्मनी और कौन सी कंट्री थी, फ्रांस। हाँ, तो मतलब ये मोटे मोटे जो देश हैं जो हमेशा एक्टिव रहते हैं इन मामलों में, उनकी है। और नंबर 1 पे पाकिस्तान की ISI नंबर 1 पे है, और सेकंड नंबर पे अमेरिका है ना, थर्ड नंबर पे MI6 है, फोर्थ नंबर पे रशिया की, पांचवें नंबर पे दो बता दी नंबर 1 पे। हाँ, मोसाद को नंबर 10 पे रखा है, ये थोड़ा मेरे को ठीक नहीं लगा। मोसाद नंबर 10 पे नहीं हो सकती, वो उसको भी थोड़ा ऊपर होना चाहिए था। ISI तो हाँ, ISI के बारे में सुना है तो वो नंबर 1 पे ही है। बाकी तो जो एजेंसी काम करती है उसके बारे में मैं तो पता रहता नहीं है, तो उसके बारे में क्या बोलें। हाँ, ये है कि ये एजेंसियाँ काफ़ी ऐसी जो खबरें होती है, खुफिया सूचनाएं होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, वो अपने गवर्नमेंट को देती है। और काफ़ी सारे ऐसे ऑपरेशन होते हैं जो आम नागरिक को पता नहीं होते हैं, उनके मतलब अंडरग्राउंड चलते हैं वो बिल्कुल भी, और ना न्यूज़ में आते हैं, और उनके जो काम करने वाले लोग होते हैं वो भी पब्लिकली नहीं आते हैं, वो पब्लिक के अंदर ही रहते हैं। कोई कहीं सिविल सर्विस कर रहा होता है, कहीं कुछ कर रहा होता है, उनके जो एजेंट होते हैं और वो एक दूसरे की कंट्रीज़ में होते हैं, और वो अपनी कंट्रीज़ को दुश्मन देशों के जो सूचनाएं होती है वो कलेक्ट करके वहाँ प्रोवाइड करवाने की कोशिश करते हैं, तो ये उनका काम होता है। और एक हिसाब से ये जो एजेंसियाँ होती है जो पर्टिकुलर हर कंट्री की होती है, उसमें सब स्मार्ट लोग काम करते होंगे ना, और उन लोगों के सामने है, जब वो लोग देखते होंगे बाहर के लोगों को तो उनको क्या लगता होगा, क्योंकि यार सब तो हम चला रहे हैं यार, तुमको क्या पता तुम्हारी कंट्री के खिलाफ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना, तो ये अलग चीज़ होती है। और ये सारी चीज़ें हमें जो एक्सपीरियंस होता है वो मूवियों से होता है, मूवियों में जिस हिसाब से बताया जाता है तो हकीकत में ऐसा ही होता होगा, इसलिए मूवियों में बताया जाता है, तो उसी हिसाब से हम भी गेस कर रहे हैं। बाकी अगर मूवियाँ नहीं बने ऐसी और कुछ नहीं बने तो बिल्कुल भी कोई दिमाग भी नहीं आए। तो होप सो
कि सारी एजेंसी अपने कंट्री के लिए काम करे और कंट्री की सुरक्षा के लिए काम करे, किसी दूसरी कंट्री को नुकसान पहुंचाने का काम नहीं करे, ऐसी हम उम्मीद रखते हैं। बाकी ज़रूरी है, जो मैं यूँ नहीं कहता हूँ कि एक कंट्री दूसरी कंट्री की दुश्मन होती है, हर कंट्री में ऐसे लोग होते हैं जो अपने देश को बेचना चाहते हैं, अपने देश के खिलाफ होते हैं, तो वो एजेंसियाँ उनको रोकने का काम करती है, क्योंकि वो उन लोगों को बेचते हैं जो दूसरों देशों को, वो ऐसे लोगों की कोई कंट्रीज़ होती भी नहीं है, उन देश के लिए उनके मन में कुछ होता भी नहीं है, जो ऐसे कुछ कुछ भी इलीगल काम करते हैं, कुछ भी तो मतलब पैसे के लिए तो कुछ भी करना, तो ऐसे लोगों को रोकने के लिए ही एजेंसियाँ काम करती है। और ये किसी भी कंट्री में कोई किसी कंट्री का जो बंदा होता है वो अपने कंट्री के खिलाफ भी काम कर सकता है और दूसरे कंट्री से पैसे लेके भी ऐसा कर सकता है, ऐसी सारी चीज़ें चलती है, तो उन लोगों को रोकने के लिए ही एक मेन काम होता है इनका एजेंसियों का। तो ये मनु को शायद समझ में आ गया होगा, आ गया ना। तो ठीक है, ये था वीडियो फ्रेंड्स, आप बताना ये इसमें इस वीडियो में कुछ आपके हिसाब से कुछ ऐड करना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना कि कोई इन्फॉर्मेशन रॉन्ग है कुछ है। काफ़ी सारे फ्रेंड्स हम जो वीडियो देख करते हैं कुछ भी, तो काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि इन्फॉर्मेशन रॉन्ग है, तो प्लीज़ अगर इन्फॉर्मेशन रॉन्ग लगे तो उसका एक वैलिड रीज़न के साथ कोई सही वीडियो हमारे इंस्टा आईडी पे आप सेंड कर सकते हैं ताकि हम उसको और देखें, क्योंकि हम अगर वीडियो देख रहे हैं और कोई गलत जानकारी अगर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं या वो बात बोल रहे हैं तो वो भी गलत है। तो सही है, जानकारी सही होनी चाहिए, नॉलेज सही होना चाहिए। तो इसी के साथ वीडियो को ये ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखेगा और अपने आसपास लोगों का ध्यान रखें, और बस क्यों मनु नहीं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे ओके, तो अपना ख्याल रखेगा, बाय।